हेलो एवरीवन, और इसे बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हम मलाई कोफ्ता बनाना। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें 2 तेज पत्ते डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 3 लौंग, 3 हरी इलायची और दालचीनी का टुकड़े डाल देंगे। अब इसमें हरी मिर्ची कटी हुई है जो, वो डाल देंगे। और अब इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। प्याज को थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद अब हम काजू, 15-20 काजू, 7-8 लहसुन की कली और जो अदरक का टुकड़ा था उसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। हम 4-5 कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से पक जाएं। अब हम इसको ग्रेवी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं। उबले हुए आलूओं को ग्रेट करना है। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे जिसका मैंने पहले से पानी निकाल कर चूरा बनाकर रखा हुआ है। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, हरा धनिया या स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच मैदा भी मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से एक आटे की तरह हम गूंथ लेंगे। मैदा इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि जो आलू में और पनीर में मॉइस्चर रहता है वो डीक्रीज हो जाता है। हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम हथेली पर थोड़ा सा आटा लेकर इसमें एक लोई तैयार करेंगे और कोफ्ता बनाने के लिए इसको हम राउंड शेप में या ओवल शेप में भी बना सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से इसमें ड्राई फ्रूट्स भर देंगे थोड़े थोड़े। ये हमारी लोई तैयार हो चुकी है, देखिए बिल्कुल स्मूथ बनी है ये। और ऐसे करके हम सारी लोई तैयार कर लेंगे। अब मैंने पहले से ऑयल गरम करके रख दिया है और गैस की फ्लेम हाई थी, पर अब हम कोफ्ते डालेंगे तो उस समय गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। तेज फ्लेम में नहीं डालना है इनको, नहीं तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और कोफ्ते डालने के बाद इनको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं, इनको पलट देंगे और ऐसे करके हम ये कोफ्ते एक एक करके सभी कोफ्ते निकाल लेंगे और इन सभी कोफ्तों को हम तल लेंगे। अब हम ने जो ग्रेवी के लिए पेस्ट वो तैयार किया था मसाला, उसको पीसेंगे। हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम एक स्ट्रेनर या छन्नी की सहायता से इसको छान लेते हैं ताकि जो इसमें जो हमने गरम मसाला साबुत मसाला डाला था वो अच्छे से छन जाए और एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट आया इसका। पहले से यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल लिया हुआ है, हमें यहाँ पर लो रखनी है। 1 बड़ा चम्मच हम बटर का डाल देंगे, इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और इसमें 1-1.5 चम्मच तक लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च है, और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ लो रखनी है ताकि हमारी जो मिर्ची और हल्दी है वो जल ना जाए। अब हम इसमें ग्रेवी को ऐड कर देते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था, उसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसे हमें 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसमें 1 चम्मच धनिया ऐड करेंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। पानी भर गया है आधा कप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक हम इसको पकने देंगे अच्छे से ताकि हमारे जो इसमें मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो गई है हमारी। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखनी है। 4-5 मिनट तक इसको पका लेंगे और 2 चम्मच हमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम डालने से ग्रेवी और भी स्मूथ हो जाएगी और हमारी जो ग्रेवी का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें
एक चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे। आप इसमें हनी या शुगर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हमें ग्रेवी को स्मूथ पेस्ट ही बनाना है। अब हम एक बाउल में कोफ्ते लेंगे और ऊपर से ग्रेवी को डाल देंगे। हमें ग्रेवी के अंदर कोफ्ते नहीं डालने हैं, नहीं तो वह टूट जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही मलाईदार होते हैं। आपको ग्रेवी ऊपर से ही डालनी है कोफ्तों में। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये। इसको अच्छे तरीके से कोफ्ते को ग्रेवी से कवर कर देते हैं। आप इसको तंदूरी रोटी, नान या कुलचे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खाएं पिएं और एंजॉय करें।